कानपुर देहात रसूलाबाद में ईद उल अजहा के पर्व पर नमाज प्रशासन की मुस्तैदी में संपन्न हुई। नमाजियों ने ईद उल अजहा के पर्व पर ईदगाह में जाकर देश की खुशहाली, शांति और अमन चैन की दुआएं मांगी। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से उप जिलाधिकारी जितेंद्र कटियार, क्षेत्राधिकारी आशा पाल सिंह, कोतवाल शिव ठाकुर, तहसीलदार राजकुमार अधिशासी, अधिकारी दिनेश शुक्ला, नायब तहसीलदार मनोज रावत के साथ वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नमाज अदा करने के बाद जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रशासन को ईद उल अजहा के पर्व पर बधाइयां दी, वहीं रसूलाबाद नगर में स्थित बड़ी ईदगाह में जामा मस्जिद पेश इमाम हाफिज अब्दुल रहूफ बकई के नेतृत्व में सुबह करीब 8:30 बजे ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई गई, जहाँ नमाजियों का हजारों की तादाद में सैलाब देखा गया। नमाज होने के बाद लोगों ने मुस्लिम हिंदू एकता का परिचय देते हुए समाज सेवी ने स्टॉल लगाकर लोगों के बीच मिठाइयां और शरबत वितरित कर एकता का सद्भाव का संदेश दिया। बकरीद का ये त्योहार रसूलाबाद नगर व ग्रामीण अंचलों में भी शांति प्रिय माहौल में मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने सकुल सलता से संपन्न कराया है। इस पर्व पर हाजी फैजान खान ने कहा कि रसूलाबाद वो नगरी है जहां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक त्योहार मनाए जाते हैं। आपसी सौहार्द मजबूत होने के कारण दोनों ही समाज के लोग प्रेम सद्भाव से त्योहार मनाते हैं, जो कि नगर के लिए गौरव की बात है। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। और अभी इसके बाद झोली वगैरह की बाद में गिरा जाता है, लिहाजा ये गिनती फिर पूरा बजट जब आपको सुनाया जाएगा तब क्लियर होगा। फिलहाल ये नगद यहाँ पर जो गिना जा चुका है वो लगभग 72,000 रुपए आया है। जनता को ये संदेश देना चाहिए कि अपने में अमन और अमान कायम रखे, आपसी सौहार्द भाईचारा को बनाए रखे, प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी को गुजर सकते।